हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज स्वागत है सीता कुकिंग चैनल में। दोस्तों आज मैं बहुत टेस्टी या स्वादिष्ट यहाँ पे मैं सेवई बनाने वाली हूँ और बहुत अच्छा है दोस्तों, बिल्कुल टेस्टी। तो यहाँ पे आज मीठा खाने के दिल किया है तो मैंने सोची मीठा फटाफट चलो सेवई बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेवई पड़ी थी दोस्तों किचन में, तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट सेवई ले रखी हूँ और इसको मैंने अच्छे से मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और मैंने यहाँ 1.5 चम्मच घी रख दी हूँ। और दोस्तों इनको अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। दोस्तों अभी टाइम रात के 10 बज रहे हैं तो मैं सोची हूँ मीठा खाने का मन करता, फटफट देखती हूँ क्या बनाऊँ। तो किचन में सेवैया मिला तो मैं सोची सेवई ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या की, यहाँ पे सेवई मैंने यहाँ पे भून दी। भूनने के बाद से मैं अच्छी तरह से और 1 लीटर मैंने दूध यहाँ पे दोस्तों इसी में ऐड कर दी हूँ। अब इन सेवइयों को अच्छी तरह से हमें चलाना है दोस्तों, और चला के यहाँ पे अपने पसंद के हिसाब से आप ड्राई फ्रूट डालें। मैंने इसमें डाल रही हूँ काजू और पिस्ता, मैं दोस्तों डाल रही हूँ, आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इनको अच्छी तरह से मैंने चला दी हूँ और चलाने के बाद से मैं देख लीजिए, मैं उबाल तक आने तक दोस्तों हल्की उबाल आ रहा है तब तक मैं यहाँ पे आधा कप यहाँ पे चीनी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी दोस्तों इसमें। और यहाँ पे आप मीठा के हिसाब से आप यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आप टेस्ट से डाल सकते हैं यहाँ पे, जितना मीठा खाए उतना दोस्तों। लेकिन बट यहाँ पे मीठा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि मैंने इसको दूध को थोड़ी मैंने ज़्यादा इसको जला दी थी मैंने, यानी मतलब ज़्यादा इसको पका दी थी दोस्तों। और पकाने के बाद ये देखिए यहाँ पे यहाँ सेवई का खीर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें आप फटाफट यहाँ पे ठंडी होने तक चाहे तो आप इसको फ्रीजर में रख दे दोस्तों, चाहे तो आप रूम टेम्परेचर पे यहाँ इसको ठंडा करके आप खा सकते हैं यहाँ पे। और हमें तो मन किया तो मैं चलूँ अब सर्व करके खाने दोस्तों, बहुत टेस्टी है, स्वादिष्ट है।